मेष, मन की एकाग्रता कम रहने के कारण मन से आप दुखी रहेंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शारीरिक रूप से व्यग्रता का अनुभव होगा। धन का निवेश करने वालों के लिए संभलकर चलना जरूरी है। आवश्यक दस्तावेजों पर अधिक ध्यान दीजिएगा। मध्याह्न के बाद कार्य का प्रारंभ करने में सरलता रहेगी। पारिवारिक वातावरण में सुधार होगा। वृषभ, व्यवहारिक कार्यों को निपटाने के लिए आज का दिन शुभ है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। बड़े बूढ़ों और मित्रों के साथ मिलना होगा। संतानों की प्रगति से मन पुलकित हो जाएगा। पर्यटन या प्रवास का योग है। मध्याह्न के बाद शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता में अड़चनें आएंगी। धार्मिक कार्यों के पीछे भी खर्च होगा। स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। कोर्ट कचहरी से संभल कर चलिएगा। मिथुन, गणेश जी कहते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन शुभ है। व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ सफलता और उगाही का धन भी प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहेगी। व्यवसाय में कार्य सफलता और लाभ प्राप्त करवाएंगी। मित्रों से लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग भी हैं। कर्क, दिन का प्रारंभ मानसिक तनाव और अशांति पूर्वक होगा। किसी भी कार्य में भाग्य सहकार नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव होगा। संतानों के विषय में चिंता अधिक रहेगी और शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होगा। मान प्रतिष्ठा और उच्च पद प्राप्त होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। सिंह, आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आचार संहिता पर संयम बरतने और अनैतिक कार्यों से दूर रहने की सलाह गणेश जी देते हैं। शारीरिक और मानसिक श्रम ज्यादा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा। नकारात्मकता को भी अपने से दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। कन्या, आपको यश कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके भागीदारों के लिए समय अनुकूल है। मनोरंजन के क्षेत्र में आपका दिन आनंदपूर्ण बीतेगा। व्यापारियों को उगाही का धन मिलने की संभावना है। ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन मन को शांति प्रदान करेगा। तुला, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। किसी भी कार्य को आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास पूर्वक कर सकेंगे। मन को शांत रखिएगा। घर में वातावरण आनंददायी और शांतिप्रद रहेगा। वाणी में संयम रखिएगा। वृश्चिक, आज आपको साहित्यिक प्रवृत्ति करना रुचिकर लगेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। शेयर सट्टे में लाभ होगा। मनोबल दृढ़ और आत्मविश्वास भरपूर होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। व्यवसाय में सहकार्यकरों का सहकार प्राप्त होगा। धनु, आज सावधानी पूर्वक बरतने के लिए गणेश जी कहते हैं। माता के स्वास्थ्य में हो रहा परिवर्तन आपकी स्वस्थता पर नकारात्मक असर ना करे, इसका ध्यान रखिएगा। धन और कीर्ति की हानि होगी, परंतु मध्याह्न के बाद आपका मन सृजनात्मक प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित होगा और प्रसन्नता का अनुभव करेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है। मकर, जीवन साथी के साथ व्यवहार अधिक मधुरतापूर्ण होगा। मित्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आयोजन बना पाएंगे। भाइयों एवं स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य की भी चिंता रहेगी। कुंभ, अपने खर्च पर आपको संयम रखना होगा। साथ साथ क्रोध और जीभा पर भी संयम रखना होगा। मध्याह्न के बाद आपके विचारों में स्थिरता दिखाई देगी। परिवार में सुख शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। कार्य सफलता मिलेगी, ऐसा गणेश जी कहते हैं। मीन, आज आपके घर में धार्मिक कार्य होंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नए कार्य के लिए शुभ दिन है। परिवारजनों के साथ ज्यादा वाद विवाद ना करने की गणेश जी सलाह देते हैं। खान पान में भी ध्यान रखिएगा।